हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं टी टाइम स्नैक्स, गेहूं के आटे के शक्कर पारे। बनाने में बहुत ही आसान है और गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स ये हेल्दी भी बहुत है और बच्चे आजकल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप रेसिपी को पूरा देखें और ट्राई करें। गेहूं के आटे के शक्कर पारे यानी कि मीठी मठरी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा। देखिए, दूसरा कप आटा भी मैंने डाल दिया है। अब हम आटे को एक बार साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक ग्राइंडिंग जार, इसमें डाल देंगे 1/2 कप सूजी। अगर चम्मच से नाप के देखेंगे तो लगभग 4 चम्मच के आसपास सूजी है। साथ ही हम डाल देंगे 3/4 कप चीनी। हमने यहाँ पे 4-5 हरी इलायची ली है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। मैं यहाँ पे इलायची के बीज निकाल के इसी में डाल दूंगी। इलायची डालने के बाद हम एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, अब हम इसको आटे में डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के आसपास तिल लिए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। हमने यहाँ पे लिया है मोहन के लिए 1/2 कटोरी घी। घी को मैंने गरम करके रखा है, देखिए अच्छे से पिघला हुआ है। अब हम घी को इसमें इस तरह से डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटे के शक्कर पारे बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी हैं। अब हम मोहन चेक करने के लिए क्या करते हैं, मोहन चेक करने के लिए इस तरह से हम आटा हाथ में लेते हैं और ऐसे कस के एक लड्डू बना के देखते हैं। ये देखिए, हमारा लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मोहन एकदम परफेक्ट है, ना कम है ना ज्यादा है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर के आटे को लगा लेंगे। पानी हमें यहाँ पे नॉर्मल लेना है, ना ठंडा लेना है ना गर्म लेना है। थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है। आटा हमारा लग चुका है, बस हमें एक सा करना है आटे को। गेहूं के आटे के शक्कर पारे 3-4 महीने तक भी खराब नहीं होते हैं। अगर आप हमारी स्टाइल से बनाते हैं तो इनको आप सफर में भी ले जाइए, स्टोर करके भी रख सकते हैं अगर आपके बच जाते हैं तो। आटा लग के तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हमने आटा लगा के तैयार किया है। और ये फट रहा है इसलिए है क्योंकि हम मीठे शक्कर पारे बना रहे हैं तो मीठा आटा फटता ही है। अब इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। देखिए, एक पार्ट मैंने लिया है, इसको अच्छी तरह से गोल कर लूंगी। इसी तरह से हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे आटे की। जो हमने आटा तैयार किया है इसकी हमने 4 बॉल बना ली हैं। आइए बेलना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आटे की बॉल ली है और इस तरह से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि जो हमारे किनारे हैं वो बहुत ज्यादा फटे नहीं। और अब आहिस्ता आहिस्ता से बेलना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है और थोड़ा सा हमने मोटा रखा है। जो हमने आटे की रोटी बनाई है थोड़ी सी मोटी रखी है। जो कटे फटे किनारे हैं इनको इस तरह से कट कर देंगे और साइड्स को निकाल देंगे। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया से हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। आप जिस शेप में जिस साइज में चाहें उस तरह से पीस कट कर सकते हैं।
गेहूं के आटे के शक्करपारे देखिए हमने बना के तैयार कर लिए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। आइए, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे। देखिए बबल्स आने लग गए हैं, इसका मतलब ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसमें आहिस्ता से मछली डाल देंगे। बहुत ज्यादा गर्म तेल में हमें मछली नहीं डालनी है, नहीं तो मीठी होने की वजह से जल जाएंगी। हमने फ्लेम को हाई कर रखा है, बहुत ज्यादा लो फ्लेम पे हम मछली तैयार नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाएंगी। अब हम चम्मच की सहायता से देखिए इनको इस तरह से पलट देंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि आपस में चिपके नहीं। हमने अब गैस के फ्लेम को मीडियम हाई कर लिया है और मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमें मीठे शक्करपारे बना के तैयार करने हैं। देखिए हमने साइड चेंज करते करते बहुत अच्छे से अपने जो मीठे शक्करपारे हैं, गेहूं के आटे के शक्करपारे हैं, वो बना के तैयार कर लिए हैं। और देखिए कितने बढ़िया से इनमें जाली भी बनी है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसी तरह से हम सारे शक्करपारे फ्राई कर लेंगे। देखिए सेकंड राउंड भी तैयार हो गया है और हमारे जो शक्करपारे हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। गेहूं के आटे के शक्करपारे हमारे बिल्कुल रेडी हैं और इसको आप लंबे टाइम तक, कम से कम 3 से 4 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है और पास से दिखाती हूँ आपको, जाली भी कितने अच्छे से बनी है। देखिए तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, गेहूं के आटे के शक्करपारे बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।